एक इंटरेस्टिंग कोर्ट केस है जो डिम्ड सैंक्शन के बारे में बात करता है। जब भी हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनके पास जब हम अपना बिल्डिंग प्लान जब भेजते हैं और वो एक निर्धारित समय में सैंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो डिम्ड सैंक्शन का प्रोविज़न होता है। डिम्ड सैंक्शन की स्थिति प्राप्त करने के लिए भी सर्टेन नॉर्म्स हैं कि किस कंडीशन में कोई बिल्डिंग प्लान जो सबमिट किया गया है वो डिम्ड सैंक्शन होगा, कितने दिनों के बाद डिम्ड सैंक्शन होगा, इसके लिए भी निर्धारित समय है। कई जगह पे ये 60 डेज़ है, कई जगह पे 30 डेज़ है। अलग अलग म्यूनिसिपल्स में अलग अलग बाईलॉज या अलग अलग रूल्स हैं, और डिम्ड सैंक्शन के तहत जो प्लान करेक्ट तरीके से पेश किया गया है, यदि वो निर्धारित समय के अंतर्गत म्यूनिसिपल अथॉरिटी सैंक्शन नहीं देती है तो प्लान डिम्ड सैंक्शन यानी ऑटोमेटिकली सैंक्शन माना जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे बड़ी रोचक बात है कि एक सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति ने यदि बिल्डिंग प्लान सबमिट किया और उस बिल्डिंग प्लान में FSI वायलेशन हो या म्यूनिसिपल लॉ का वायलेशन हो और इन कंट्रावेंशन और बाईलॉज हो, बिल्डिंग बाईलॉज हो, तब भी क्या उसे डिम्ड सैंक्शन प्राप्त हो जाएगा यदि वो प्लान सबमिट किया गया है और अथॉरिटी उस पर संज्ञान नहीं ले पाती है या उसको रिप्लाई नहीं कर पाती है, तो क्या कोई कंट्रावेंशन वाले बिल्डिंग एप्लीकेशन भी डिम्ड सैंक्शन के तहत कवर करेंगे यदि फ्लोर स्पेस इंडेक्स का वायलेशन है, FSI वायलेशन है तो? यहाँ पे जो ऑनरेबल कोर्ट है उमा श्याम परिवार ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार डिवीजन बेंच का है। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिम्ड सैंक्शन ऑफ प्लान विच वुड बी इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द बाईलॉज। यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने माना है कि यदि इन कंट्रावेंशन में है, यदि प्लान दिया गया है जो FSI वायलेशन या मैंडेटरी प्रोविजन है बिल्डिंग बाईलॉज के उसके वायलेशन में है, तो वो प्लान डिम्ड सैंक्शन के तहत नहीं आएगा, यानी डिम्ड सैंक्शन का बेनिफिट उस प्लान को नहीं मिलेगा। द कंसेप्ट ऑफ डिम्ड सैंक्शन इज देयर फॉर आर नॉट अवेलेबल टू प्रिज्यूम दैट सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज़ डन समथिंग और परमिटेड समथिंग विच इज इट सेल्फ कुड नेवर हैव डन और परमिटेड। यानी कि यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो उसको सैंक्शन नहीं देती सामान्य परिस्थिति में, तो वैसी स्थिति में डिम्ड सैंक्शन के तहत भी उसको दर्जा नहीं प्राप्त हो जाएगा यदि कोई इन कंट्रावेंशन या कोई वायलेशन के तहत कोई प्लान सबमिट किया गया है जो FSI वायलेशन हो या बिल्डिंग बाईलॉज का वायलेशन हो। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है डिम्ड म्यूनिसिपल का, यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट डिफाइन करती है कि सेड कॉन्सेप्ट इज अट्रैक्टेड व्हेन प्लान इज परफेक्टली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ एंड स्टिल द सैंक्शनिंग अथॉरिटी डज नॉट कंसिडर इट विद इन प्रिस्क्राइब्ड डेज। यहाँ पे देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा है कि जो डिम्ड म्यूनिसिपल का सॉरी डिम्ड प्लान सैंक्शन तभी माना जाएगा जब आपने बिल्डिंग एप्लीकेशन जो दिया है वो पूरी तरह से कानूनी तौर पे सही हो, यानी कि जो जो प्लान जो नक्शे जो सबमिट किए गए हैं वो करेक्ट तरीके से प्रोफॉर्मा में दिए गए हों, करेक्ट तरीके से साइंड किए गए हों और सारे डेटा उसमें करेक्टली भरे गए हों, यानी कि इन अकॉर्डेंस विथ लॉ हो, यानी कि प्रिवेलिंग लॉ जो है, जो बायलॉज है उसके अकॉर्डेंस में हो। यदि उसके कंट्रावेंशन में है तो नहीं होगा। यदि प्रिवेलिंग लॉज के तहत है और उसके बाद कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी निर्धारित समय में नहीं सैंक्शन करके देता है तो वो डिम्ड सैंक्शन माना जाएगा। इसी चीज़ को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी घनश्याम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 का केस है 8 जून का, इसमें डिफाइन किया है कि डिम्ड सैंक्शन क्या होता है किसी बिल्डिंग एप्लीकेशन का। तो देखिए, डिम्ड सैंक्शन किसी बिल्डिंग एप्लीकेशन का एक आसान साधन नहीं है कि यदि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको निर्धारित समय में, म्यूनिसिपल अथॉरिटी निर्धारित समय में कोई बिल्डिंग एप्लीकेशन को नहीं डिस्पोज करती है तो ऑटोमेटिकली सैंक्शन हो जाएगी। उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है, निर्धारित विधि है, और ख़ासतौर से इन कंट्रावेंशन ऑफ बाईलॉज है, यदि FSI वायलेशन है या किसी प्रकार का उल्लंघन है उस प्लान में, तो ऑटोमेटिकली उसे डिम्ड सैंक्शन नहीं मिल जाएगा। इसे ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि यह चर्चा आपके लिए लाभकारी रही होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।